गाइस अगर हम बात करें अभी रिसेंटली क्या है ना आपके फेवरेट शो जदीद इल्म आना में दो चीज मिसिंग है। पहला है कि करण मुनामी की सच्चाई को लेके जो आज के सीन में दिखा गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या पता है, यहाँ पे सिद्धार्थ का सीन दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे संजना का सीन नहीं दिख रहा है। जी हाँ, जो फैंस बहुत भड़क रहे हैं, भड़कना भी चाहिए यार, क्योंकि इस शो में हर एक एक्टर को अगर मैं बात करूं, संजना सिद्धार्थ को नहीं दिखा के दूसरी जगह क्या हो रहा है, फैजी और कोयल का दिखा रहे, चलो इनको दिखा रहे तो फैंस एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब से शो आया तब से उनको दिखा नहीं रहा था, अब दिखा रहे हैं। करण मुनामी का दिखा रहे हैं, अभी उनकी सीन है बहुत अच्छा जो फैंस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि संजना नहीं है, सिद्धार्थ है लेकिन संजना नहीं है, फैंस इसी को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो मेरे दोस्त, जहां तक बात हो रही इन दोनों की एंट्री की, एक का एंट्री हो गया और दूसरी की एंट्री इस वीक तक हो जाएगा, मतलब संजना का। और देखो इस शो में हर एक एक्ट्रेस की बात करूं, करण मुनामी, संजना सिद्धार्थ, फैजी, कोयल, ये छह ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हर एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, सबसे पावरफुल जो कैरेक्टर रखा गया है वो है दादी का। जी हाँ, बोल सकते हैं कि कोयल की सास की, वो फैंस इंजॉय कर रहे हैं और उनको इग्नोर कर रहे हैं या हेट कर रहे हैं। अगर किसी कैरेक्टर को आप हेट कर रहे हैं, इसका मतलब श्योर है उनकी जो रोल है बहुत ही पावरफुल है और फैंस इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखते हैं, आ जाना तो चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा आपके फेवरेट करण मुनामी की जो केमिस्ट्री है आज दिख जाएगा किसके सामने, आपके फेवरेट सिद्धार्थ के सामने। सो गाइस आप कितने एक्साइटेड हो आज के एपिसोड के लिए जरूर बताना। और हाँ, अभी तक योर टाइमली नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।